हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इसके मिनी वीडियो में। अगर आप ओप्पो का A55 स्मार्टफोन यूज़ करते हैं दोस्तों एंड बेसिकली 4G डिवाइस में अपडेट IOIC के बारे में बात करेंगे, इसके वर्जन नंबर एंड अपडेट साइज के बारे में एंड इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे इस अपडेट में, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल में प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो है उनको देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों इस अपडेट के बारे में। दोस्तों तो बेसिकली दोस्तों ये कलर ओएस 13 बेस एंड्रॉइड 13 का जो कि अपडेट आया हुआ है ओप्पो का A55 स्मार्टफोन में। अगर आप कोई दूसरा डिवाइस यूज करते हैं ठीक है एंड आपके इस डिवाइस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अपडेट के वर्जन नंबर के बारे में। F.62 का आपको इसमें वर्जन नंबर देखने के लिए मिलेगा एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ठीक है। एंड चूंकि ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है ये कोई चूंकि आपका एंड्रॉइड अपडेट या कोई भी बिग अपडेट नहीं आया हुआ ठीक है। बात करते हैं दोस्तों इसके अपडेट साइज की, तो 1.23 GB का आपको इसमें अपडेट साइज देखने के लिए मिलेगा, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। इसको आप कमेंट कर जरूर बताइए क्योंकि आज ही रिलीज किया गया है कंपनी की तरफ से ठीक है। हो सकता है कुछ यूजर को मिल चुका हो एंड जो भी यूजर बचे हुए हैं जिनको भी अभी तक अपडेट की ये रिसीव नहीं हुआ उनको भी बहुत जल्द रिसीव हो जाएगा दोस्तों ठीक है। हो सकता है आपका इसी वीक में हो जाए, आपको 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर ही आपको चूंकि रिसीव हो जाएगा ठीक है। एंड अगर आपको रिसीव नहीं होता बाई चांस तो आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको अपना स्टोरेज चेक करना होगा क्योंकि हो सकता है चूंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है जिनकी स्टोरेज फुल होती है ठीक है, तो उनके डिवाइस में चूंकि अपडेट नहीं आ पाता। बिकॉज अपडेट होने के लिए जब भी अपडेट आता है तो आपके डिवाइस में स्टोरेज सफिशियंट होनी चाहिए ठीक है, चूंकि खाली तभी चूंकि अपडेट आपके डिवाइस में पुश होता है ठीक है कंपनी की तरफ से, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ठीक है। एंड इसके बाद आपके चेंजेस की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम में इसके दोस्तों आपका चूंकि अगस्त का सिक्योरिटी पैच आपको लेटेस्ट देखने के लिए मिलेगा ठीक है। एंड बात करें दोस्तों इसमें कुछ चेंजेस हुआ दोस्तों, इसमें आपका कोई भी नदर चेंजेस भी चूंकि चेंज नहीं हुआ, सिंपली आपका जो भी प्रॉब्लम बग्स थे अप्लीकेशन में आपके डिवाइस में थोड़े बहुत उसको ही इम्प्रूव किया गया ठीक है। एंड इसमें आपको चूंकि मेनली सिक्योरिटी पैच ही दिया गया अगस्त का, कुछ यही था दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्ट नोज आप इसमें पढ़ भी सकते हैं ठीक है। एंड दोस्तों बहुत से लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम अपने डिवाइस को अपडेट करते हैं तो कोई भी हमारा डाटा जो पर्सनल डाटा वो तो नहीं क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा दोस्तों। आपको दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, सिंपली आपका डिवाइस अपडेट ही होगा ठीक है। कुछ यही था वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।